चीन तुर्की के प्रेम जाल और जम्मू कश्मीर को लेकर अपने पुराने आका सऊदी अरब को नाराज कर बैठा पाकिस्तान ना केवल इसकी भारी कीमत चुका रहा है बल्कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। इसी के चलते सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाले G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 देशों के नक्शे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें कश्मीर यानी POK और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, बल्कि इन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। G20 शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को रियाद में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब सरकार और प्रिंस सलमान के लिए इसकी अध्यक्षता का ये मौका फख्र की बात है। ऐसे में इस मौके को यादगार बनाने के लिए सऊदी सरकार ने 24 अक्टूबर को 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया। इसमें सामने की तरफ सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो और एक स्लोगन है, तो वहीं पिछले हिस्से में वर्ल्ड मैप है। इसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। इसमें कश्मीर के अलावा गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया है। यूरेशियन टाइम्स ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक सितंबर में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ओसी कोहेन ने संकेत दिए थे कि अमेरिकी चुनाव के बाद सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के साथ इसराइल के कूटनीतिक संबंध सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के PM ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उनका देश इसराइल को मान्यता नहीं देगा और ना उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति समान है, लेकिन सऊदी अरब और इसराइल के भारत से काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि प्रिंस सलमान ने बदलते वक्त के साथ विदेश नीति भी बदली है। वे अब भारत को काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और पाकिस्तान उनकी नज़र में कहीं नज़र नहीं आता। हालात ये हैं कि अगस्त में सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को फौरन कर्ज वापस करने को कह दिया था, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के करीबी रिश्तों का अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि कश्मीर पर भी सऊदी सरकार एक शब्द भारत के खिलाफ नहीं बोली। बाकी अरब देशों ने भी यही किया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान अब नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसे चीन और तुर्की का साथ मिल रहा है, लेकिन अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब इस पर नज़र बनाए हुए हैं।